नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक बस के बारे में और बिहार में यानी कि राजधानी पटना में चल रहे इलेक्ट्रिक बसों के किराए के बारे में। BSRTC ने इलेक्ट्रिक बसों के किराए में 10 रुपये की कमी की गई है। आपको बता दें कि अब जो है नई दर शुक्रवार से यानी कि लागू हो गई है। साथ साथ यात्रियों को जो है दैनिक, वीकेंड और फिर मासिक पास की भी जारी करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि यह पास इलेक्ट्रिक बस के साथ ही साथ CNG बसों के लिए भी मान्य होगी। आपको यह भी बता दें कि बिहार सरकार ने दैनिक किराए के साथ साथ अब मंथली पास की सेवा की भी शुरुआत कर दी है। इस बस में महिलाओं के लिए जो है विशेष रियायत दी गई है। जब आप CNG बस या फिर इलेक्ट्रिक बस से सफ़र करते हैं तो इस दौरान आप तेज आवाज़ से बचते हैं, साथ साथ आप प्रदूषण से भी बचते हैं। इस दौरान आपको आराम महसूस होगा। आपको यह भी बता दें कि प्रदूषण रोकने के हिसाब से भी यह एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं इलेक्ट्रिक और फिर CNG बसों के किराए के बारे में। तो ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गांधी मैदान बिहटा रूट के बारे में। तो कारगिल चौक से जो है इसका किराया, इन जगहों पर आगे हम बात करेंगे कहाँ कहाँ का क्या है। तो कारगिल चौक से अगर हम पटना जंक्शन की बात कर ले तो यहाँ किराया 10 रुपया, आयकर गोलम्बर के लिए भी 10 रुपया, सचिवालय के लिए 15, चिड़ियाघर के लिए 15, गोलघर गोला रोड के लिए जो है 20, सगुना मोड़ के लिए 30, दानापुर जंक्शन के लिए 35, शिवाला के लिए 45, वाटर पार्क के लिए 55, बिहटा IIT के लिए जो है 60 रुपया किराया है। अगर हम IIT से अगर हम भाड़ा को अगर हम देख लें कि कितना है, तो IIT से जो है बिहटा का किराया 10 रुपया, उसके बाद वाटर पार्क का किराया 20 रुपया, शिवाला के लिए 20, दानापुर जंक्शन के लिए 30, सगुना मोड़ से 40, गोला रोड के लिए 45, चिड़ियाघर के लिए 50, सचिवालय के लिए 50, आयकर गोलम्बर के लिए जो है 50 रुपया किराया रखा गया है, पटना जंक्शन के लिए 60, कारगिल चौक के लिए 60। तो हम बात कर लेते हैं दानापुर स्टेशन से जो है क्या है किराया। तो सबसे पहले बात करेंगे सगुना मोड़ की, तो यहाँ किराया 10 रुपया, गोला रोड के लिए 20, चिड़ियाघर के लिए 25, सचिवालय के लिए 30, आयकर गोलम्बर के लिए 30, पटना जंक्शन के लिए 35, कारगिल चौक के लिए 35 रुपया किराया है। अगर हम बात कर लेते हैं पटना दरभंगा रूट के लिए, तो इसका जो बसें खुलेगी वो खुलेगी गांधी मैदान से, और इसका किराया जो होगा इस तरह से होगा। तो हाजीपुर के लिए किराया जो होगा गांधी मैदान से वो होगा 63 रुपया। अगर हम मुजफ्फरपुर के लिए बात करें तो वहाँ होगा 158 रुपया, और दरभंगा के लिए बात करें तो 289 रुपया किराया होगा। अगर हम बात कर लें राजगीर के लिए, तो पटना से राजगीर का किराया जो होगा उसके लिए हम बात करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले जान लेते हैं कि एक बसें खुलेगी कहाँ से। ये बस खुलेगी गांधी मैदान से, और इसका किराया जो होगा दीदारगंज के लिए जो होगा 105 रुपये, बख्तियारपुर के लिए जो किराया होगा 105 रुपये, हरनौत के लिए किराया होगा 126 रुपया, और बिहार शरीफ के लिए जो किराया होगा वो भी 126 रुपया होगा। अब हम बात करेंगे राजगीर का किराया कितना होगा, तो वो होगा 158 रुपया। तो पटना से राजगीर का किराया जो है 158 रुपया होगा। आपको सबसे पहले ये भी बता दें कि ये जिस बस पे आप सफर करेंगे वो CNG बस होगी या फिर इलेक्ट्रिक बस होगी। ये दोनों ही बसें जो है प्रदूषण के लिए काफ़ी लाभदायक बसें हैं, और बिहार में प्रदूषण कम करने को लेकर जो है बिहार सरकार की एक अच्छी पहल सामने आई है। अब हम इन बसों के मासिक किराए की बात कर लें। अगर आप रोज ऑफिस आना जाना चाहते हैं इन बसों से, तो उसके लिए जो है मंथली पास की व्यवस्था बिहार सरकार की तरफ से की गई है। उसमें जो है सामान्य पास का किराया जो होगा मंथली में 900 रुपये, महिलाओं के लिए छूट दी गई है तो वो जो होगा 850 रुपये, ट्रांसजेंडर के लिए जो होगा 850 रुपये, छात्रों के लिए अलग से छूट दी गई, तो इसमें छात्रों का किराया जो होगा वो मंथली पास जो होगा वो 750 रुपये का होगा। छात्राओं के लिए जो है इसमें भी छूट दी गई और उन्हें जो है किराया लगेगा 700 रुपये। दैनिक पास अगर आप एक दिन पूरे पटना में सफ़र करना चाहते हैं तो उसका किराया जो होगा वो 70 रुपये होगा। अगर वीकेंड पर अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं उसके लिए जो किराया निर्धारित की गई है वो है 50 रुपये। तो ये था CNG और इलेक्ट्रिक बसों के किराए की दर, जो कि पिछले दिनों कम की गई है। उसके बाद से जो है नया दर सर बिहार सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप पटना से राजगीर घूमना चाहते हैं या फिर मधुबनी जाना चाहते हैं, तो अगर आप पटना में ही घूमना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है अलग अलग दरें जो है बिहार सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।